हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई कल काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। तो इस फिल्मी टॉक में कुछ कल की खबर है और कुछ आज की। काफी बड़ी बड़ी खबर है जो आप सबको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे जवान की, क्योंकि जवान के पोस्टपोन की खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। पहले भी कई बार खबर आ चुकी है, लेकिन अब 99% कंफर्म हो गया है कि जवान फिल्म 2 जून को नहीं रिलीज होगी। खबरों की माने तो शूटिंग में देरी के कारण फिल्म को पोस्टपोन किया जाएगा और अब ये फिल्म जून के बजाय अक्टूबर के महीने में रिलीज होगी। अक्टूबर के महीने में सिर्फ एक ही बड़ी फिल्म आ रही है और उस फिल्म का नाम है गणपत। तो देखना दिलचस्प होगा कि जवान की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। अगर जवान पोस्टपोन होगी तो इससे दो फिल्म्स को काफी फायदा होगा। प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष जो 16 जून को रिलीज होगी और अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो 22 दिसंबर को रिलीज होगी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को इसलिए फायदा होगा क्योंकि अगर जवान पोस्टपोन होती है तो डंकी भी जरूर पोस्टपोन होगी, यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों से चल रही है और ये फिल्म 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी। अब इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ सोलो रिलीज होती है तो ये फिल्म आराम से 40 से 45 करोड़ की ओपनिंग करेगी। तो अब देखते हैं जवान फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। एक चौंकाने वाली खबर ये है कि अक्षय कुमार के आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आज सुबह से ही ये खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म वूट या फिर जियो सिनेमा पर आ सकती है। खबर तो ये भी आई है कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम ने ओ माय गॉड 2 के ऑफर को ठुकरा दिया है और इसलिए अब ये फिल्म वूट या फिर जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो भाई काफी सोचने वाली बात है कि अक्षय कुमार का कैरियर किस तरफ जा रहा है। वैसे इससे अक्षय कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2022 में इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद इस साल अक्षय कुमार करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करने वाले हैं। और सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े मियां छोटे मियां के अलावा बाकी सभी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होंगी। खैर मजाक की बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकार की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तो भाई थिएटर में किसकी फिल्म रिलीज होगी। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि अक्षय कुमार क्या गलती कर रहे हैं। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आती है तेरी सादगी पर। कमल हसन की मच अवेटेड फिल्म इंडियन 2 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आज इंडियन 2 की शूटिंग चेन्नई में खत्म हो गई है और बहुत जल्द फिल्म के मेकर साउथ अफ्रीका में इंडियन 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। साउथ अफ्रीका में 14 दिन तक फिल्म की शूटिंग चलेगी, जहां पर एक खतरनाक ट्रेन एक्शन सिक्वेंस शूट किया जाएगा। इंडियन 2 की शूटिंग 90% कम्प्लीट हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कमल हसन की ये फिल्म इसी साल ही रिलीज होगी। पैन इंडिया फिल्म है तो देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन 2 की रिलीज डेट क्या होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी इंडियन 2 की रिलीज डेट कन्फर्म हो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अगर आप भी सुपरमैन की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो भाई आपको जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि डायरेक्टर जेम्स गन सुपरमैन की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। जेम्स गन ने खुद कहा है कि वो सुपरमैन की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जिसका टाइटल सुपरमैन लेजेसी होगा। हालांकि अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि सुपरमैन का रोल कौन करेगा, पर जेम्स गन ने सुपरमैन फिल्म अनाउंस कर दी है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी कन्फर्म कर दी है। तो सुपरमैन लेजेसी 11 जुलाई 2025 को रिलीज होगी। It's been a while since anyone's made the world this nervous. Black Adam. लियो फिल्म की शूटिंग कश्मीर में चल रही है और कहा जा रहा है कि 25 मार्च तक फिल्म की शूटिंग कश्मीर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद 30 दिनों का शेड्यूल चेन्नई और हैदराबाद में स्टार्ट होगा। अगस्त में फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और ये फिल्म अपनी रिलीज डेट 19 अक्टूबर को ही रिलीज होगी। Bloody sweet. काफी लंबे इंतजार के बाद चियान विक्रम की मच अवेटेड फिल्म धुआं नक्षत्राम की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अब पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है। रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि चियान विक्रम की ये फिल्म मई एंड तक रिलीज होगी। साथ ही सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन काम स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्द फिल्म के टीजर ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा। सनी पाजी की ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आप 11 अगस्त को सबसे पहले किस फिल्म को देखने वाले हैं, सनी देओल की गदर 2 या फिर रणबीर कपूर की एनिमल? मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा।
नानी की मच अवेटेड फिल्म दशहरा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर देखते समय मुझे केजीएफ और पुष्पा की फील आ रही थी। केजीएफ और पुष्पा ऐसी फिल्म है जो शायद ही कभी हमारे दिमाग से निकल पाएगी। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर श्रीकांत ओढ़ेला ने केजीएफ और पुष्पा को मिक्स कर दिया है। मेरी फीलिंग काफी मिक्स है, तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपको दशहरा का ये ट्रेलर कैसा लगा। विकी कौशल की आने वाली फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। सैम बहादुर फिल्म मार्शल सैम मानिकसो की बायोपिक है, जिसमें विकी कौशल सैम मानिकसो के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने राजी और छपाक फिल्म को डायरेक्ट किया था। विकी कौशल के साथ सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख अहम भूमिका में नजर आएंगी। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म भी इसी साल ही रिलीज होगी। पठान के बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे होने की खुशी में आज पठान की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। अगर आप भी पठान फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि पठान फिल्म इसी महीने 22 मार्च को Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। जी हाँ, आने वाले बुधवार को साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। पार्टी पठान के घर पे रखोगे? तुम्हें मरनेबाजी के लिए पठान तो आया। हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर क्वेंटिन ट्रेंटिनो ने अपनी 10वीं फिल्म की घोषणा कर दी है। क्वेंटिन ट्रेंटिनो ने काफी पहले अनाउंस किया था कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ 10 फिल्म ही डायरेक्ट करेंगे, तो उनकी 10वीं फिल्म का टाइटल द मूवी क्रिटिक्स होगा, जिसकी कहानी एक मूवी क्रिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। टॉम क्रूज की ये मच अवेटेड फिल्म 14 जुलाई को रिलीज होगी। DC की फैंटेसी ड्रामा सीरीज स्वीट टू सीजन 2 का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, और साथ ही सीजन 2 की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। यहाँ इन फोटोज में आप हाइब्रिड बच्चों को देख सकते हैं। स्वीट टू सीजन 2 27 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। सारा अली खान की अपकमिंग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गैसलाइट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। गैसलाइट फिल्म की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। सारा अली खान के साथ इस फिल्म में विक्रांत मेसी और चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगी। तो गैसलाइट फिल्म 31 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। घरदाता की बॉडी यहाँ थी। दाता का खून हुआ है कपिल। अर्जुन कपूर की एक्शन थ्रिलर फिल्म कुत्ते को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। कुत्ते फिल्म 13 जनवरी को रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। एक जंगल का एक उसूल सुन। तीन या तो शिकार बनो। पांच या शिकार करो। और नेटफ्लिक्स की फैंटेसी मिस्ट्री ड्रामा सीरीज शैडो एंड बोन सीजन 2 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इस सीजन में भी टोटल 8 एपिसोड हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। तो शैडो एंड बोन का पहला सीजन आप सबको कैसा लगा था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।